नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं आपके साथ विनय अग्निहोत्री। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेहद खास मेहमान, गो इजी के डायरेक्टर श्री हर्षवर्धन मिश्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 के। थैंक यू सो मच। अपने गो इजी नाम का एक नया कॉन्सेप्ट आपने मार्केट में लाया, अपनी कंपनी ओपन की, कैसे आइडिया और क्या था इसकी आपकी स्टोरी? एक्चुअली जब मैं भोपाल आया अपने ऑफिस से जॉब छोड़ के, पेशेंट पेड में साइट इंजीनियर था, वहाँ से जॉब छोड़ के जब मैं भोपाल शिफ्ट हुआ तो भोपाल में मेरे पास क्या बोलते हैं काम नहीं था कुछ भी, तो मैं यहाँ पे रिसर्च वगैरह कर रहा था, नई जॉब्स वगैरह सर्च कर रहा था। तब सेम टाइम में मेरे पास प्रॉब्लम्स आई प्लम्बिंग की और कारपेंटरी की, और फिर उस टाइम पे जसडेल और के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं दिल्ली रह के आया हुआ था तो मुझे नॉलेज था कि गूगल करने से चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैंने वो किया। और फिर हुआ क्या कि जो भी आया तो 100 रुपये के काम को उन्होंने 700 रुपये बताए थे, और जो भी छोटे छोटे काम थे सबके रेट्स बहुत ज़्यादा थे। तो फिर उसके बाद मैंने इसको डिस्कशन किया, मैंने भोपाल में और लोगों से ढूंढा भी था, तो फिर मुझे समझ में आया कि इलेक्ट्रिशियन थोड़ा ना आसान है, पर कारपेंटर और प्लम्बर और जो आरओ सर्विसेज हो गई ऐसे हाउस होल्ड की और जो अदर सर्विसेज है वो ढूंढना टफ होता है। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स से डिस्कस किया था चीज़ों के लिए, और जब डिस्कशन के बाद में फिर मुझे लगा कि एक आइडिया अच्छा है, चालू कर सकते हैं। फिर मेरे एक फ्रेंड ऑलरेडी स्टार्टअप कर रहे थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप खुद का स्टार्टअप चालू कर लो इसी से रिलेटेड, तो फिर मैंने सेम आइडिया पे कॉन्सेप्ट चालू कर दिया था। कब की, कौन से ईयर की बात है ये 2000 मैं जब आया था भोपाल 2016 लास्ट में आया था, और 2016 से मैं 17 तक रिसर्च किया हूँ, और फिर मैंने 15 अप्रैल 2017 में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की थी और चालू किया था। आपका जो 350 रुपये से आपने जो कंपनी का अपना आपने स्टार्टअप किया, आज आपकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है साल में, तो क्या था 350 रुपये का कॉन्सेप्ट, बताएंगे? मैंने जब जॉब छोड़ी थी तो मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में जब साइट इंजीनियर था, और मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी तो भोपाल आके रिसर्च वगैरह कर रहा था, नई जॉब सर्च कर रहा था, तो मेरे पास केवल और केवल 1 लाख रुपये का बैकअप था, वैसे 3.5 लाख रुपये का था, पर उस टाइम पे घर में कुछ चीज़ें हुई तो जिसकी वजह से वो बैकअप्स ख़त्म होने चालू हो गए, और भोपाल में फिर रहना है बिना जॉब के तो आपके बैकअप्स ऑलरेडी ख़त्म होते। तो कंपनी का रिसर्च और सारी चीज़ें करते करते, कंपनी चालू करते करते मेरे पास लास्ट में केवल 1000 रुपीज़ बचे थे, और 1000 रुपीज़ जो बचे हुए थे तो उस 1000 में से मैंने जो पैम्पलेट्स वगैरह छपवाए और चीज़ें करवाई तो लास्ट में मेरे पास 350 रुपीज़ बचे थे। उस 350 से मैंने एडवांस दिया पैम्पलेट वाले को कि भाई आप ये 300 रखो, पर 50 रुपीज़ मैंने अपने लिए रख लिया था कि पेट्रोल के लिए जो खर्चे हैं डेली के, और मैंने खुद से ले जाके पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया मार्केट में। और जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो उस पैम्पलेट से मुझे क्या बोलते जब रिस्पॉन्स आया था तो मेरे पास फर्स्ट डे पे सबको सब कुछ देने के बाद 1500 रुपीज़ प्रॉफिट में था मैं। और सर, अगर मैं भोपाल के अलावा बात करूँ कि आप मध्य प्रदेश के और कौन कौन से स्मार्ट सिटी हैं जो आपकी कंपनी सर्विस दे रही है, प्लम्बर, कारपेंटर या फिर इलेक्ट्रीशियन हो, या फिर आने वाले समय में आपकी कंपनी का और क्या प्लान हो सकते हैं गो इजी को लेकर? एक्चुअली हमारा प्लान तो अभी ऐसा है कि हमने भोपाल में चालू किया है, जमशेदपुर हमारा पायलट रन चल रहा है, और वहाँ पर अच्छे हमको रिस्पॉन्स आ रहे हैं, हमारे वहाँ पर 3 मंथ्स में 1000 क्लाइंट्स बन चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हमारा वहाँ पर पायलट रन कम्प्लीट हो जाए तो हम उसको फुल टाइम पर चालू करेंगे, और उसके बाद पर हमारा अभी रायपुर का है, और उसके बाद में फिर हमारा क्या बोलते हैं जयपुर का चालू होने वाला है पूरा नया टारगेट। जब आपने कंपनी की शुरुआत की थी और आपके पास उस समय कितने लोगों का सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट या फिर दोस्तों का सपोर्ट, और आपके अगर आपकी बात की जाए तो अब आप किस लाइन पे खड़े हुए हैं और आप क्या सोचते हैं आगे के लिए? जब हमने कंपनी चालू की थी तो एक्चुअली स्टार्टिंग में मेरी फैमिली, जैसे बता दूँ, गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करती तो उनको स्टार्टअप्स वगैरह बिजनेस को समझ में नहीं आता, तो पहले तो सपोर्ट नहीं था, मम्मी का सपोर्ट था, लेकिन डैड फिर भी कॉल करके बोलते थे कि हाँ आज जॉब निकली है, अगर अप्लाई कर सको तो, कल उम्र है अभी, चीज़ें हैं, बट इशू ये आ रहा था कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, तो मुझे बिजनेस ही करना था क्योंकि मैंने पैसे देख लिए थे कि प्रॉफिट है, और इवन मैं अगर किसी कंपनी में जॉब करता हूँ तो मुझे उस कंपनी के बाहर कोई नहीं जानता, मुझे उस कंपनी के लोग ही जानते, मेरे फैमिली वाले जानते हैं, लेकिन मैं अगर इस पर आता हूँ तो एक नाम भी बनता है और आप लोगों के लिए सोशल कॉज भी करते हो, तो मैं उस भी आप पे देख के फिर इसको ज्वाइन छोड़ा नहीं, मैंने इसी को कंटिन्यू किया, और फैमिली के साथ में सपोर्ट्स थे मेरे, मेरी दीदी के भी थे, मेरे जीजा जी के भी सपोर्ट्स थे, और फ्रेंड्स भी सपोर्ट कर रहे थे, तो मैंने कंपनी ग्रो की और चीज़ें बढ़ाते बढ़ाते आज हमने कोविड में भी अपनी कंपनी को शटडाउन नहीं किया, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी है कोविड में, हम केवल सर्विस चार्ज फ्री कर दिए थे, हमारे जो टेक्नीशियन थे वो सपोर्टिव थे, उनकी सारी चीज़ें मिलती थी, हमने केवल जो मटेरियल कॉस्ट थी वो लेते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे, और उसके बाद जब हमने आज भोपाल में हम रन करते हुए 93,000 क्लाइंट्स हैं हमारे पास, 93,000 क्लाइंट्स को हमने 5 साल में रिटेन किया है, और उसके बाद में हमने आज अपनी कंपनी को एक लेवल में बना लिया कि हमारा 5.5 करोड़ का टर्नओवर है भोपाल में, और अब हमारी कंपनी अच्छे स्टेट पे है। थैंक यू। मेट्रो सिटी के लिए आपके क्या ख्याल है, मेट्रो सिटी में क्या आपके जो है ऑफिस के ब्रांच बनेंगे वहाँ पे?
बिल्कुल, हम अभी तो स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में हमारा प्लान है कि हम टीयर थ्री सिटीज़ को ही टारगेट करेंगे, लेकिन आने वाले समय में जब हमारे टीयर थ्री सिटीज़ का टारगेट अचीव हो जाएगा तो हम मेट्रो सिटीज़ भी ज़रूर जाएंगे। अगर मैं चैलेंजिंग की बात करूँ तो क्या क्या ऐसी चैलेंजिंग आई आपके जो है बिजनेस के दौरान? सबसे बड़ी टीम बनाने में इशूज़ आते थे, क्योंकि जब मैंने 2017 में चालू किया था तब टेक्नीशियंस को आइडिया नहीं था कि ऐप के थ्रू आप कैसे बुकिंग कर लोगे, कैसे आएंगे, कैसे यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी का क्या है, फिर सर्विस कमीशन कैसे देनी है, क्योंकि उनकी एक मैंटेलिटी बहुत छोटी थी, उसको फिर ब्रॉड करने में हमको बहुत अवेयरनेस चलाना पड़ा, चीज़ें लगानी पड़ी। आज मेरे पास 2700 लोग जुड़े हुए हैं टीम पे, जो फ्रीलांसर्स मेरे साथ एग्रीगेटर मॉडल पे हम आ जाते हैं। पर ये जब मैं ऑनबोर्ड करता था तो उनके यहाँ जाता था कि सर हमारी कंपनी, मैं गली में चलते हुए कोई भी दिख जाता था टेक्नीशियन काम कर रहा था, मैं रुक के उससे बात करता था कि भैया हमारी कंपनी है, हमारा स्टार्टअप है, हम आपको काम देंगे, आप हमसे जुड़ोगे, हम इतने परसेंट मार्जिन लेते हैं, प्लेटफॉर्म ऐसा काम करेगा वैसा करेगा, तो वो मना कर देते थे। फिर उन्होंने सुना है सर, मैंने सुना है कि जो आप जब आप शुरुआती दौर में थे अपनी कंपनी, तो आपको जो है बहुत सारे टेक्नीसियन, फिर प्लम्बर के, कारपेंटर वगैरह आपको नहीं मिलते थे, जो भी आपके पास उस समय अवेलेबल थे तो आप उनके साथ जाते थे और ग्राउंड पर आप सीखते थे, इसकी क्या स्टोरी है? एक्चुअल में हुआ क्या था कि मैंने जब बताया आपको कि बहुत से लोगों को ऑनबोर्ड करता वो ना बोलते थे, फिर बड़ी मुश्किल से मुझे कुछ नए मिले और मैंने उनको ऑनबोर्ड किया, तो उस टाइम पे मुझे, जैसे हम कहते हैं ना कि आपको लर्निंग होती रहती है आपकी काम करते करते, तो हम उस टाइम पे जब जॉब कर रहे थे कि इनको ऑनबोर्ड कर देते, तो मैं इनके साथ जाता था कि कस्टमर्स के पास जाने से मुझे ये रिक्वायरमेंट्स मिलती है, मैं अपनी बाइक पे ही बैठाता था उनको और मैं उनको बैठा के उनको ले जाता था और उनसे कस्टमर के सामने कैसे डील करना है, क्या करना है, क्या क्या इशूज़ आते हैं, मुझे किन किन चीज़ों में काम करना है, एक टेक्नीशियन कस्टमर से किस तरीके से बात करता, तो वो सारी चीज़ों के बाद समझ में आया। तो हमने फिर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बनाई कि टेक्नीशियन अप्लाई करेगा, उनका डेटा वेरिफिकेशन होगा, डेटा वेरिफिकेशन का उनको एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देंगे, उस ट्रेनिंग के बाद जब वो रेडी हो जाएंगे तब उनको आप टेक्नीशियंस को हम भेजना चालू करेंगे। तो वो प्रोसेस मुझे उस टाइम पे सीखने को मिली कि हम अपनी गाड़ी में बैठा के मैं ले जाता था, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से मिली हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो आप जैसे कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन है और प्लम्बर्स वगैरह, तो उनके क्या प्राइस लेते होंगे वो, उनके चार्जेस वगैरह? सर एक्चुअल में मैं आपको बता दूँ, सबसे नॉमिनल प्राइस है, हमारी सर्विस एक मिडिल क्लास फैमिली से लोअर मिडिल क्लास फैमिली तक यूज़ कर सकती है और एक हायर क्लास फैमिली भी यूज़ कर सकती है। हम किसी के लिए कोई ऐसा नहीं है कि उनका कि हायर क्लास है तो उनको हायर चार्ज करेंगे और लोअर क्लास है, क्योंकि आपने देखा होगा टेक्नीशियंस के इश्यूज आते थे शुरुआत में, लेकिन अब नहीं आते क्योंकि हमारी जो सर्विसेज है 50 रुपीज़ विजिट चार्ज है, बहुत ही नॉमिनल है। उसके बाद में हमारे विजिट चार्ज के अलावा आप जो सर्विसेज हैं उनके हमारे ऐप में हैं, ऐप डाउनलोड करके उसमें आप कस्टमर देख सकता है कि सारी चीज़ों के अलग अलग सर्विसेज हैं। अगर आपको फ़ैन इंस्टॉल करवाना है तो फ़ैन इंस्टॉल करने का एक अलग रेट है, आपको कारपेंट्री का कोई भी काम करवाना है, प्लम्बिंग का कोई भी इंस्टॉल करवाना है, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, पूरे भोपाल में करते हैं, सारी चीज़ों को हम देते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे।